हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा जन चेतना पार्टी बी के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के दिशा निर्देश पर अंबाला के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में अंबाला शहर के अलग अलग वार्डों में पार्षद और समर्थक गली गली जाकर सैनिटाइज करने में लगे हैं। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा की देखरेख में चल रहे इस अभियान को लेकर लोगों ने विनोद शर्मा परिवार की जमकर तारीफ की और कहा कि केवल विनोद शर्मा परिवार ही इस आपदा के समय में उनकी सुध लेने पहुंचा है। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विनोद शर्मा परिवार ने आपदा के समय में हमेशा लोगों की मदद की है और अंबाला के लोगों को बाढ़ की मार के बाद अब मच्छरों और बीमारियों की मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन लोगों को राहत पहुंचाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा के दिशा निर्देश पर सभी 20 वार्डों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक लोगों के ऊपर बीमारियों का जो खतरा बना है वो खत्म नहीं हो जाता। अंबाला शहर में रहने वाले लोगों ने कहा कि इस आपदा के समय में कोई उनकी सुध लेने नहीं आया, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा मेयर शक्ति रानी शर्मा की तरफ से आए लोगों ने राहत पहुंचाने का काम किया है। अब नालियों और खड़े पानी में छिड़काव करवाया जा रहा है, इसके लिए वे विनोद शर्मा परिवार के आभारी हैं। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। ये विनोद शर्मा जी द्वारा छिड़काव करवाया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ आपदा आई या जब भी आपदा आती है, एक विनोद शर्मा जी ही ऐसे हैं जो कि हर आपदा में हर बंदे के साथ खड़े होते हैं। पहले इन्होंने जब आपदा के टाइम घर घर अनाज पहुँचाया, लोगों को दूध पानी सब पहुँचाया, अब जब पानी उतर चुका है तो उन्होंने अब घर घर स्प्रे करने के लिए हमें मशीनें दी हुई हैं। मैं तहे दिल से शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो वार्ड नंबर 4 है हमारा, यहाँ उनके अलावा कोई भी नहीं आया, उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई है और हम घर घर जाकर स्प्रे कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश सूदन है। बलदेव नगर में पानी नीर बोर्ड के 4.5 फुट पानी आया और पानी उतरने के बाद आज दिन तक किसी ने भी यहाँ कोई देखने के लिए या कोई गरीब की मदद के लिए कोई बंदा नहीं आया। विनोद शर्मा जी की तरफ से सोनी जी यहाँ पर 2 चक्कर काटे उन्होंने और आज नालियों में छिड़काव करा रहे हैं। उसके अलावा कोई भी बंदा, चाहे वो MC हो, चाहे वो खट्टर का बंदा हो या BJP का बंदा, कोई नहीं आया यहाँ पर सिवाय विनोद शर्मा जी के बंदे आए हैं बस। मैं राजकुमार सेठी, वार्ड नंबर 12, कंचघर शास्त्री नगर, पंडित विनोद शर्मा जी, मेयर शक्ति रानी शर्मा जी, सांसद कार्तिकेय शर्मा जी का तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि इन बाढ़ के हालातों में पूरे अंबाला शहर की और हमारे वार्ड नंबर 12 की सुध आज जिन्होंने ली है और पूरे 12 नंबर वार्ड में और पूरे 20 के 20 वार्डों में दवाई का छिड़काव किया जा रहा है ताकि मलेरिया से और डायरिया से और अन्य प्रकार की सभी बीमारियों से अंबाला वासियों को बचाया जा सके। हर एक वार्ड में मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि बीमारियों से दूर किया जा सके लोगों को और मुफ्त में दवाइयां बांटी जा रही हैं। मैं राजकुमार सेठी, पंडित पूरे शर्मा परिवार जी का तहे दिल से पूरे 12 नंबर वार्ड की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या नाम है आपका और क्या स्प्रे कर रहे हैं? मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। हम आज वार्ड नंबर 3 के सेठी इनक्लेव में हैं। ये पंडित विनोद शर्मा जी और मेयर शक्ति रानी शर्मा जी के निर्देश अनुसार जो सारे शहर में स्प्रे का काम चल रहा है जिससे बीमारियों की रोकथाम हो सके और जो बरसात की वजह से कीड़े मकोड़े सांप जो मच्छर मक्खी फैलता है उसकी रोकथाम के लिए स्प्रे करवाया जा रहा है। तक पूरा शहर और पूरे गांव कवर नहीं कर लिए जाते जी, तब तक आदेश है कि तब तक ये स्प्रे ऐसे ही चलेगा निरंतर और जब तक पूरी तरह से माहौल ठीक नहीं हो जाता तो ये निरंतर चलता रहेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।